खबर चमोली जिले की है, जहां पर नंदाघाट के रहने वाले राहुल सिंह ने तहरीर दी कि प्रीतम सिंह नेगी जो कि कर्णप्रयाग के रहने वाले हैं और मुकेश सती जो कि नंदानगर घाट के रहने वाले हैं, उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र रचकर उनकी पत्नी को सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 7,35,000 की धनराशि हड़प कर उसकी पत्नी के व्हाट्सएप पर फर्जी कूट रचित नियुक्ति पत्र भेजा। बताया जा रहा है कि प्रीतम सिंह जिले के भाजपा नेता भी हैं और पूर्व युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष के पद पर भी रह चुका है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देश किया है और गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की। गठित पुलिस टीम ने अभियुक्त प्रीतम सिंह नेगी को सिमली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में मुकेश सती के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है और उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन पुलिस द्वारा दिया गया है। चमोली जिले के नंदानगर घाट क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने अब भाजपा नेता पर एक बड़ा इल्जाम मढ़ा है। उसने तहरीर देते हुए कर्णप्रयाग थाने में भी ये बात कही है कि सचिवालय में नौकरी दिलाने की एवज में प्रीतम नेगी और मुकेश सती नाम के दो भाजपा नेताओं ने उनसे 7,35,000 रूपये हड़प लिए और उनकी पत्नी को व्हाट्सएप पर एक फर्जी नियुक्ति पत्र भेज दिया। ऐसे में प्रीतम नेगी की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रीतम नेगी भाजपा युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष बताए जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा था महिला दुष्कर्म में भाजपा ही संलिप्त पाए जा रहे थे, कारतूस की तस्करी में भाजपा नेता के भाई संलिप्त पाए जा रहे थे, भर्ती घोटाले में हमने देखा मुख्य आरोपी भाजपाई थे, उसके अलावा हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे देखे, हमने आय से अधिक संपत्ति में मंत्रियों को घिरते हुए देखा, अब सचिवालय और विधानसभाओं में नौकरियों की एवज में लाखों की लूट करने में भी भाजपाइयों का नाम अब अग्रणी पंक्ति में लिया जा रहा है। तो भाजपा के सेहरे पर एक और ताज आज चमक रहा है।